नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही प्रभावकारी ये साबर यानी शाबरी विद्या है। प्यारे दर्शकों, आपको जैसा मालूम होगा कि तंत्र मंत्र विज्ञान है, कि ये शब्दों का विज्ञान है, ऊर्जाओं का विज्ञान है। तंत्र मंत्र के नाम पे बहुत सारे व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित हैं, लेकिन इसी में हम गुरु परंपरा अंतर्गत आपको आज एक अनोखा उपहार देने जा रहे हैं जो बिल्कुल प्रमाणिक है, सत्य है और एक बार नहीं अनेकों बार का आजमाया हुआ है। अगर आप इसे करना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो मैं दावा करता हूं आपका भाई, आपका गुरु, आपका सेवक इस बात का प्रमाण देता है, ये कभी असत्य नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, आज हम यहां पर अयोध्या में हैं, आप देख रहे हैं अगल बगल। हमें कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए ये कैमरा, हमारे अगल बगल बहुत सारी बोटिंग हो रही है और ये रेगिस्तान में वो जो थार मोटर्स चलते हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है। और ये आज लगभग 11 जनवरी, बहुत ठंड है, कोहरा देख ही रहे हैं। माता सरजू की गोद में मोटर बोटिंग यहाँ हो रही है। लेकिन हम जो ये उपाय बताने जा रहे हैं कि नाड़े पर क्या करना, मैं बता रहा हूँ। पहले तो इसको ये आता किस काम है, आखिर हम क्यों मंत्र ये पढ़ें, क्या ज़रूरत है और इसका क्या लॉजिक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्यारे दर्शकों, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, नंबर एक, जिनके गर्भ नहीं रुकता या जिनके गर्भ में बालक नहीं आते हैं, यानी सेक्सुअल संबंध बनता है लेकिन उनका गर्भ नहीं रुकता है, उनके लिए। नंबर दो, अगर आपका कोई अपना जैसे पति या बेटा आपसे रूठ गया है, तो ये बहनें भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी रूठ कर चली गई, आपका कोई अपना रूठ कर चला गया, उसके लिए भी कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप पैजामा पहनते या नाड़ेदार लोअर पहनते हैं, अगर आप पैंट पहनते हैं, नाड़ा वगैरह नहीं पहनते हैं, यानी जिसमें नाड़े वाला कोई वस्त्र नहीं पहनते, तो आप एक नाड़ा ले लीजिए, उस पर भी ये प्रयोग कर कमर में बांध सकते हैं। तो चलिए विलम्ब ना करते हुए मैं बताता हूँ। ये बहुत ही माता भगवती का उग्र प्रयोग है, ये साबरी प्रयोग है, जो कि एक नहीं अनेकों बार का परिचित है। ये बंगाल का सिद्ध मंत्र है जिसे माता कालिका ने स्वयं अपने साधक को अपने श्री मुख से बताया था। तो इसको कभी अन्यथा या कभी गलत कार्य के लिए मत लेना, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। प्यारे दर्शकों, इसकी विधि क्या है, सबसे पहले घर में घी का दीपक जलाना, माता काली का चित्र रखना और वहाँ पर घी के 5 मुखी दीपक जलाना। और ये एक बार फिर दिखा दीजिए, ये देख लिए, ये जा रहे हैं, ये बोट जा रही है, ठीक है। कभी अयोध्या आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप देखेंगे। तो घी का दीपक जलाना है, कैमरामैन से मैं कहूँगा हमारी तरफ फिर मूवमेंट करें, घी का दीपक जलाना है, काली जी का चित्र रखना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा, उसकी 5 माला जाप कर लेना। 5 माला जाप करने के बाद एक नाड़ा लेना, या आप जो सलवार पेटीकोट या पैजामा कुछ भी पहनते हो, अगर ये नहीं पहनते हो तो एक नाड़ा ले ही लेना या कच्चा मोटा सूत ले लेना और उसके ऊपर इस मंत्र को 81 यानी 81 टाइम्स पढ़कर 81 गांठ लगा देना। और इसी मंत्र में एक जगह आया मेरा काम, तो उस जगह जो आपको पीड़ा हो वो बोल देना, आपकी वो समस्या आप देखेंगे 3 दिन मुश्किल से लगेगा आपको इसका रिजल्ट मिलते। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जय श्री राम के साथ आप उद्घोष करें, अपने अपने माता पिता की जयकार के साथ उद्घोष करें। साथ ही 22 नवंबर को आप सभी लोग अपने घर में दीपक जलाएं, हर्षोल्लास मनाएं, मैं यही निवेदन करता हूं। जय श्री राम।